हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वीटी बढ़ालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोसीड करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पोर्शन को। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, जिसका नाम क्या है? एरोमेटिसिटी। ठीक है, मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि एरोमेटिसिटी में से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिल सकता है, अब भले ही वो 1 मार्क्स का क्यों ना आए। ठीक है, हो सकता है कि आपका टीचर 2 नंबर में भी पूछ ले, तो डिपेंडिंग अपॉन कि भाई 11th का क्यों, यू नो, क्योंकि कमांड स्कूल के टीचर के हाथ में होता है, बोर्ड से पेपर नहीं आता है, तो टीचर की नज़र से देखना पड़ता है। कि कोई टीचर होते हैं जो एरोमेटिसिटी को बोलते हैं कि अरे चलो ठीक है, तो नहीं भी देते हैं। बट कुछ टीचर्स हैं जो एरोमेटिसिटी टॉपिक को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो सोचते हैं कि नहीं, एरोमेटिसिटी पे हम एक क्वेश्चन ज़रूर पूछें, फिर भले ही वो 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिसिटी जो है कि कोई भी कंपाउंड हमारा एरोमेटिक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हम चेक करते हैं हक्कल रूल से। इसके लिए रूल होता है और उस रूल का नाम क्या होता है? हक्कल रूल। ठीक है, मैंने आपको कई बार, मैं आपको ये चीज़ बताती रहती हूँ कि हमेशा आप ऐसी मेंटालिटी ना बनाएं कि अगर कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग है तो ही वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती बट फिर भी वो एरोमेटिक कहलाते हैं। ठीक है, तो आज से आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, ये हम कैसे पता लगाते हैं? हक्कल रूल की मदद से पता लगाते हैं। हक्कल रूल अपने आप में 3 इंपॉर्टेंट बातें कहता है। सबसे पहले वो कहता है कि मॉलिक्यूल को अगर आप चाहते हैं कि वो एरोमेटिक हो, आप चेक करना अगर चाहते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसमें डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। आसान भाषा में इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके पोजीशन फिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन होनी चाहिए। और मैंने आपको बेंजीन के स्ट्रक्चर के दौरान ये बात बताई भी थी कि जब पाई बॉन्ड बनता है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पी ऑर्बिटल इसी के साथ साइड वाइज ओवरलैप करे। हो सकता है कि ये पी ऑर्बिटल उसके साथ साइड वाइज ओवरलैप ना करके इधर वाले पी ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप करे। ठीक है, तो क्या होता है कि अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग की, जिस वजह से हम क्या बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो रिंग के अबव द प्लेन भी होती है और बिलो द प्लेन भी होती है। ठीक है, जिस भी प्लेन में है मॉलिक्यूल उसके ऊपर भी होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाई बॉन्ड का, और नीचे भी होता है अबव एंड बिलो द प्लेन। तो डीलोकलाइजेशन होना ज़रूरी है। डीलोकलाइजेशन को आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि रेजोनेंस होना। ठीक है, रेजोनेंस जहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर मूव करेंगे वहाँ पर आप एरोमेटिसिटी देख पाएंगे। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है किस चीज़ का? प्लेनैरिटी का। ठीक है, मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, एक ही प्लेन में होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? आप इससे बेहतर क्या समझेंगे? आपको ये बात देखो देख के ही पता चल रही है कि पाई बॉन्ड हमेशा साइड वाइज ओवरलैप से बनता है ना। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। अब साइड वाइज ओवरलैप तो तभी हो पाएंगे ना जब दोनों बराबर खड़े हों एक ही प्लेन में। अगर ये कार्बन इस प्लेन में है तो इस कार्बन को भी इसके बराबर का प्लेन का होना पड़ेगा। अगर मान लो ये एक प्लेन में ना रहे, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो क्या इसका अपर लोब अपर के साथ और साइड वाइज के साथ ओवरलैप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर ये ऐसे हो गया तो क्या अब इनमें ओवरलैपिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो जो आपके कार्बन हैं वो आपके एक ही प्लेन में होने चाहिए, जिस वजह से उनके जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल हैं जब वो आस पास आए पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो आराम से ढंग से ओवरलैप कर पाए। तो मॉलिक्यूल को एक प्लेनर में भी होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हक्कल रूल को देखो, समझाने का ना सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई टीचर किसी तरीके से समझाएगा, कोई टीचर किसी तरीके से समझाएगा। मैं हमेशा ये मान के चलती हूँ, तरीका चाहे कुछ भी हो, बच्चे को बात समझ में आनी चाहिए। अगर बच्चे को बात समझ में आ रही है देन इट्स ओके, फिर आप मेरा तरीका देखिए या किसी और टीचर का तरीका देखिए, वो ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको बात समझ में आए।
आप आंसर निकालने में कैपेबल हो, ठीक है। अब देखिए एन जो है इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो है, मैं यहाँ पर एन की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 4×0+2 कितना हो गया 2π इलेक्ट्रॉन। अगर एन की वैल्यू 1 है, 1 पुट कर देंगे कितना हो गया 6π इलेक्ट्रॉन। अगर एन की वैल्यू 3 है, 4×2 एन की वैल्यू 2 है, 4×2 8 और 2 10 तो कितने हो गए 10π इलेक्ट्रॉन। अगर एन की वैल्यू 3 है तो कितने हो गए आपके पास, 4×3 12 और 2 कितने हो गए 14। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का सिस्टम रहेगा। आपको ये देखना है कि क्या आपके 2π 6π 10π और 14π या और सो ऑन इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब इस बात का आप ध्यान रखिए, एरोमेटिसिटी के लिए ये तीनों पॉइंट्स फुलफिल्ड होना ज़रूरी है। तीनों में से अगर कोई भी एक बात रह जाएगी तो आपका मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अब सबसे इजीएस्ट एग्जांपल से लेके चलते हैं, बेंजीन रिंग। आप सबसे पहले ये देखेंगे बेटा कि क्या आपके पास बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है लोन पेयर, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन का फिक्स ना होना। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन शो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये बॉन्ड इधर आ सकता है, ये बॉन्ड इधर जा सकता है और ये बॉन्ड इधर आ सकता है। तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ये, ठीक है। तो हाँ, आपने देखा भी होगा कि हम रेजोनेंस जब बेंजीन का दिखाते हैं, लास्ट में हम 6 कार्बन की रिंग बना के बीच में सर्कल लगा देते हैं। उसका मतलब क्या है कि ये डबल बॉन्ड घूम के फिर वापस यहाँ आ सकता है, ये फिर यहाँ पर वापस आ सकता है और ये फिर यहाँ पर वापस आ सकता है। इट मीन्स डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस इसमें चलता रहेगा। तो क्या इसमें पहला पॉइंट जो है वो फुलफिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। फिर उसके बाद बात करते हैं प्लेनैरिटी की। तो क्या बेंजीन रिंग प्लेनर होती है? बिल्कुल होती है बेंजीन रिंग प्लेनर, ठीक है। ये जो है रिंग ऐसे रहेगी प्लेन में, इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इधर भी रहेंगे, ऊपर भी रहेंगे, नीचे भी रहेंगे। अगर मैं कट करूं तो रिंग ऐसे कट होगी इक्वल हाफ में, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कट होगा, नीचे वाला भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कट होगी। तो या ये क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल है। अब आप ये कैसे चेक करेंगे 4n+2π इलेक्ट्रॉन? देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ जिससे आप 1 सेकेंड में आंसर निकाल लेंगे। क्या करना है आपको, जब भी आपको रिंग में डबल बॉन्ड दिखे, एक डबल बॉन्ड को आप 2π काउंट करोगे। एक डबल बॉन्ड को क्या काउंट करोगे? 2π इलेक्ट्रॉन। इसको भी क्या काउंट करोगे बेटा? 2π इलेक्ट्रॉन। और इसे भी क्या काउंट करोगे? 2π इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक डबल बॉन्ड को आपको 2π काउंट करना है। तो अगर आप टोटल करें 2π 2π 2π, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6π इलेक्ट्रॉन। चेक करिए क्या 6π यहाँ पर आता है? बिल्कुल आता है। तो अब देखिए क्या इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है? क्या डीलोकलाइजेशन इसमें हो रहा है? हो रहा है। क्या मॉलिक्यूल प्लेनर है? प्लेनैरिटी है इसके अंदर? बिल्कुल है। क्या ये 4n+2π इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो अगर तीनों पॉइंट इसके फुलफिल हैं तो बेंजीन रिंग हमारा कैसा कंपाउंड हो गया? कैसा कंपाउंड हो गया? एरोमेटिक, ठीक है। इसके अंदर एरोमेटिक करेक्टर है, आप लिख सकते हैं कि ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही स्लो में जानबूझ के इसीलिए पढ़ा रही थी ताकि आप मेरी बात ध्यान से सुने और आपको एक ही बार में पिक्चर क्लियर हो जाए। अगर आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं, अब हम थोड़े से एग्जांपल्स में यहाँ पर लिख दूंगी, हम स्पीड से चलेंगे और फटाफट फाइंड आउट करेंगे कि कंपाउंड प्लेनर है कि नहीं है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है नेफ्थलीन। कौन सा कंपाउंड है ये? ये है नेफ्थलीन, ठीक है। और ये क्या है हमारा? एंथ्रासीन।
एंथ्रासीन। अगर यही रिंग यहाँ से हटके यहाँ लग जाए तो ये बन जाएगा फिनैंथ्रीन। ठीक है, चलिए उन दो पे मैं अभी आती हूँ, पहले हम बेंजीन वाले कर लेते हैं कंपाउंड। अब देखिए, क्या इस कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन है? बिल्कुल है। क्या इसमें डीलोकलाइजेशन है? बिल्कुल है। बॉन्ड घूम सकते हैं? बिल्कुल घूम सकते हैं। ठीक है, रेजोनेंस शो कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो क्या इसमें डीलोकलाइजेशन है? हो रहा है। आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि डीलोकलाइजेशन करके दिखाओ। मैंने आपको बताया था समझाने के लिए कि कैसे हो रहा है डीलोकलाइजेशन। अब आप खुद सोचो कि देखो, ये वाला बॉन्ड तो ये दोनों रिंग शेयर कर रही है। ठीक है, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ भी है और यहाँ भी है। कैसे है देखो, ऐसे है। ठीक है, ये इस तरीके से है। तो अगर आप इस रिंग को छुपा दो, क्या आपको बेंजीन रिंग दिख रही है? दिख रही है। हाइड्रोजन भी है सब पे। ठीक है, हाइड्रोजन भी है सब पे। ठीक है, तो क्या आपको ये बेंजीन रिंग दिख रही है? दिख रही है। क्या ये आपको बेंजीन रिंग दिख रही है? दिख रही है। तो जैसे एक रिंग में रेजोनेंस हो सकता है, ऐसे ही दूसरी रिंग में भी रेजोनेंस हो सकता है। डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन हो सकता है इसमें। अब हम बात करते हैं प्लेनैरिटी की। आप एक बात बताओ, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि बेंजीन रिंग प्लेनर होती है, और यहाँ पे क्या किया है, दो बेंजीन रिंग को आपस में कंडेंस कर दिया है, जोड़ दिया है। तो क्या अगर एक बेंजीन रिंग प्लेनर है तो दूसरी प्लेनर नहीं रहेगी? दूसरी भी बिल्कुल प्लेनर रहेगी। तो क्या इसमें प्लेनैरिटी है? बिल्कुल है प्लेनैरिटी, प्लेनर मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, प्लेनैरिटी। उसके बाद अब आएंगे हम इलेक्ट्रॉन काउंट करने पे। मैंने आपको क्या कहा था, डबल बॉन्ड को, एक डबल बॉन्ड को 2π इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। 2π, 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 कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 4, 6, 8, 10। क्या 10π इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या था आपका हिसाब इलेक्ट्रॉन का? 2, 6, 10, 14। ठीक है, ये था आपका हिसाब। तो क्या 10π इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो तीनों चीजें अगर फुलफिल हो रही हैं तो कैसा कंपाउंड रहेगा? ये रहेगा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब आते हैं इस पे। सेम चीज है, बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन होता है? होता है। यहाँ पे तीन बार ले लिया उसको, तो क्या यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है डीलोकलाइजेशन। क्या इसमें ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा? जब एक बेंजीन रिंग प्लेनर हो सकती है तो तीन क्यों नहीं हो सकती? मॉलिक्यूल प्लेनर भी रहेगा। मैं प्लेनैरिटी की जगह सिर्फ प्लेनर लिख रही हूँ कि हाँ ये प्लेनर है। अब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, एक डबल बॉन्ड में 2π काउंट करते हैं। 2π, 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 6π हो गए, 8π, 10π, 12π एंड 14π। तो क्या 14π इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है? होता है। तो ये कंपाउंड भी हमारा क्या हो गया? एरोमेटिक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड इस तरीके से है। मैं इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बना रही हूँ। हर पॉइंट एक कार्बन होता है, 1, 2, 3। तो मैंने 3 कार्बन बना दिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी लगाइए, क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो पाएगा ना फिर। ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो यहाँ है डबल बॉन्ड। अब कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो एक H यहाँ लगा दीजिए, एक H यहाँ लगा दीजिए, और इस पे प्लस साइन है। इन्होंने मेंशन किया है कि इस पर एक H है ही और एक प्लस साइन है। क्लियर है। रिंग के लिए हम क्या लिखते हैं? साइक्लो। 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप। क्या ये सिंगल बॉन्ड है? नहीं है। डबल बॉन्ड आ रहा है? आ रहा है। तो डबल बॉन्ड के लिए लिखेंगे EN, और क्योंकि ये ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप की तरह इसे ट्रीट किया जाता है, तो लिखेंगे YL। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो इसका नाम क्या हो गया? किटायन। इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोप इनाइल किटायन। ठीक है, इसकी भी नेमिंग बता देती हूँ। रिंग के लिए हम क्या लिखेंगे? साइक्लो। कितने कार्बन की रिंग है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 के लिए पेंट।
डबल बॉन्ड के लिए, अब डबल बॉन्ड एक है कि दो हैं, दो हैं तो दो बार के लिए डाई, डबल बॉन्ड के लिए ईन, और इस पूरे ग्रुप के लिए क्योंकि अल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है जब कहीं पे जुड़ता है तो साइक्लोपेंट डाई इनाइल नेगेटिव साइन के लिए क्या लिखेंगे हम, एनायन। ठीक है हुँ? अब चलिए चेक करते हैं कि ये एरोमेटिक है भी कि नहीं है। सबसे पहले क्या ये इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है, मैं इसको इसमें बना रही हूँ क्योंकि इसमें फिर मैं कार्बन कार्बन ही बनाती रहूँगी, या चलो इसमें बता देती हूँ, कई कुछ बच्चे होते हैं जिनको बात समझ क्लियर नहीं हो पाती। अच्छा अब देखो बेटा, इस कार्बन पे H तो लगा ही हुआ है, एक बॉन्ड था, एक यहाँ आ गया और एक बॉन्ड इसका यहाँ है, ठीक है। अब आप एक बात सोचो क्या, कि जब इस कार्बन के पास एक बॉन्ड यहाँ से आ गया और इस कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हो गए तो क्या अब इस पे प्लस रहेगा? नहीं रहेगा, इसके भी चार बॉन्ड पूरे हैं, एक दो तीन चार, पर इस कार्बन को देखो, एक दो और तीसरा बॉन्ड किसके साथ है? एच के साथ, तो प्लस साइन कहाँ आ गया? इधर। तो जब ये रेजोनेंस शो करता है, ठीक है, इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है तो प्लस चार्ज कहाँ जा रहा है? यहाँ। फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है, तो प्लस चार्ज कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। क्या कह रही हूँ मैं कि अगर अब ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ आ गया, ठीक, ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ आ गया तो अब इस कार्बन के तीन बॉन्ड हो गए तो प्लस साइन यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब बस इतना है कि क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, क्या डबल बॉन्ड मूव कर पा रहा है? हाँ जी बिल्कुल कर पा रहा है, डीलोकलाइजेशन का मतलब ही यही होता है। तो इसमें डीलोकलाइजेशन है, मॉलिक्यूल ये प्लेनर होता है, जो प्लेनर नहीं होंगे वो आपको अपने आप पता चल जाएंगे, मैं एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगी, टेढ़े मेढ़े से रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन काउंट करने पे, एक डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड को हम क्या काउंट करेंगे? 2π। तो क्या 2π होता है? बिल्कुल होता है, जब n की वैल्यू 0 होती है तो 2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? ये हो गया एरोमेटिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें रेजोनेंस की संभावना है? बिल्कुल है रेजोनेंस की संभावना, ये यहाँ आएगा डबल बॉन्ड बनाने तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ये यहाँ आ जाएगा फिर रेजोनेंस शो करने तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये यहाँ जाएगा, तो ऐसे इसमें डीलोकलाइजेशन बिल्कुल होगा, आप करके देख लेना। मॉलिक्यूल प्लेनर है, हाँ बिल्कुल प्लेनर है, सारे कार्बन एक ही प्लेन में हैं। इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, और यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आपके पास लोन पेयर होते हैं तो उसको भी आपको एज अ यू नो इलेक्ट्रॉन में काउंट करना है, ठीक है। इस बात में बस यहाँ पे आप गलती मत कर देना कि टायन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ना होना, प्लस का मतलब क्या है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर नेगेटिव का मतलब क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड के लिए क्या हो गया? 2π, इसके लिए क्या हो गया? 2π, और इसके लिए क्या हो गया? 2π, तो टोटल कितने हो गए? 6π इलेक्ट्रॉन। तो डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस भी हो रहा है, प्लेनर भी है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6π हैं, तो तीनों चीज़ फुलफिल हो रही है, तो एक ऐसा कंपाउंड हो गया आपका, ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इन कंपाउंड के साथ। मैंने थोड़ी जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, उनमें ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने को, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है इसमें देखिए हर पॉइंट क्या होता है, हर पॉइंट एक कार्बन होता है, आप काउंट करिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ठीक है। तो अब देखिए, रिंग के लिए साइक्लो लिखा है, सात कार्बन के लिए हेप्टा लिखा है, तीन डबल बॉन्ड है तो तीन के लिए ट्राई लिखा है, डबल बॉन्ड के लिए ई एन लगाया है, और इस कंपाउंड के लिए हमने वाई एल लिखा है, ट्राइनाइल, ठीक है, साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल, और प्लस चार्ज के लिए केटायन लिखा है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ना पहचान नहीं पाते कि इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं यहाँ से प्लस चार्ज हटा दूँ तो फिर यहाँ पर डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है
तो क्या आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि जो जा सके, या ये अगर यहाँ आ रहा है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से कुछ यहाँ जा सके। पर प्लस चार्ज आ जाने से क्या होता है, एक चीज़ चेंज हो जाती है कि अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, ठीक है, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, या ये वाला भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, तो क्या होगा, रेजोनेंस शो हो जाएगा। कैसे, देखिए, ये आपके 7 कार्बन की रिंग हो गई। यहाँ पर हमने कुछ अभी फिलहाल टच नहीं किया, इन्हें मैं ऐसे लिख रही हूँ, और मैंने इस डबल बॉन्ड को यहाँ भेज दिया। तो ये डबल बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो इधर से तो प्लस हट जाएगा, बट वो प्लस कहाँ आ जाएगा, यहाँ। फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, इधर, और डबल बॉन्ड इधर, फिर ये आएगा। तो इस चक्कर में, मतलब प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर डीलोकलाइजेशन शुरू हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्पेस की कमी है, मैं ये कराने के बाद इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर भी बना के आपको ज़रूर समझाऊंगी, पर अभी फ़िलहाल आप यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि इसमें क्या डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो बिल्कुल हो रहा है डीलोकलाइजेशन, इसमें बिल्कुल हो रहा है। क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? हाँ जी, प्लेनर है, एक ही प्लेन में है। देखो, यहाँ देख के पता चल रहा है कि कंपाउंड प्लेनर नहीं है। क्यों? ये एक तरीके से कैसी फॉर्म बन रही है, ये बोट फॉर्म बन रही है, ठीक है। आपने नाव देखी है ना बेटा, तो नाव कभी एक प्लेन में रहती है क्या? नहीं, बोट का सतह ये हो गया और इधर चोच निकल रही है, तो ये एक प्लेन में नहीं रही। अगर मैं इसे बीच में से कट करूं तो ये इक्वल हाफ में नहीं कट होगी, ठीक है। तो ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर है। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2π, 2π एंड 2π, तो टोटल कितने हो गए, 6π हो गए, ठीक है। तो 6π हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तो तीनों चीज़ें फॉलो हो रही है, इसीलिए आपका ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि ये पेपर में ट्रोपोलियम किटायन के नाम से बहुत आता है, और आपको पता होना चाहिए बेटा कि ट्रोपोलियम किटायन हम किसे कहते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, यू शुड नो कि ट्रोपोलियम किटायन हम किसे कहते हैं, ठीक है। इस पर आते हैं, क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मैं इसको यहाँ भेज दूँ, इसको यहाँ भेज दूँ, आगे यहाँ पे कुछ है जो जा सकता है? नहीं जा सकता। तो डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, प्लेनर तो खैर चलो ये है, पर मैंने कहा था तीन में से अगर एक भी पॉइंट आपका फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। तो ये एरोमेटिक नहीं है। इलेक्ट्रॉन भी देख लो, यहाँ कितने हैं, 2π, यहाँ कितने हैं, 2π, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4π। क्या 4π होता है? नहीं, 2 होते हैं, 2 के बाद सीधा 6 होते हैं। तो ये एरोमेटिक हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। रीजन आप बता देना कि ना तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है इसमें, और ना इसके 4n+2π इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब आते हैं इस पे, दो इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था लोन पेयर को काउंट करना है, 4π, तो 4π क्या काउंट होते हैं, आते हैं, नहीं आते हैं, तो ये क्या हो गया, नॉट एरोमेटिक। रेजोनेंस इसमें हो सकता है, ठीक है, बट मैंने कहा कि अगर तीनों में से एक भी चीज़ रह गई तो फिर वो एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या ये प्लेनर है, नहीं है, क्या ये प्लेनर है, नहीं है। अब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2π, 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 8π है इलेक्ट्रॉन, ऊपर से नॉन प्लेनर है, ना तो ये फॉलो हो रहा है, ना ये फॉलो हो रहा है, डीलोकलाइजेशन का क्या करे, चार डाले क्या, ठीक है। तो ये क्या है, नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तीनों कंपाउंड में सेम ही चीज़ है, सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, बस यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है वो चेंज हो गया है। जब भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर एक साइक्लिक रिंग के अंदर आ जाते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं, तो इन्हें हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, दे आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन जब आता है और 5 मेंबर की रिंग बनती है, इसे पायरोल कहते हैं, ठीक है। कहानी सब में सेम है, कहानी सब में सेम है, सारे एरोमेटिक हैं, बस मैंने सिर्फ ये बताने के लिए लिखे हैं ये, क्योंकि नाइट्रोजन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए पायरोल कहलाएगा, ऑक्सीजन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए फ्यूरान कहलाएगा, अगर आपके पास सल्फर आ गया तो कहलाएगा थायोफीन। एक और होता है, 6 मेंबर की रिंग बनती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं और 3 नाइट्रोजन होते हैं, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, 5 कार्बन होते हैं, 1 नाइट्रोजन होता है और 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इसे हम बोलते हैं पिरीडीन, इसे हम क्या कहते हैं, पिरीडीन, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इधर,
यहाँ पे क्या रेजोनेंस पॉसिबल है? बिल्कुल है, ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे बॉन्ड बनाने, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो एक तरीके से क्या है डिलोकलाइजेशन हो रहा है, प्लेनर ये है ही। इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लो, 2 पाई 2 पाई, और लोन पेयर को काउंट कर लिया 2 पाई, तो टोटल कितने हो गए 6 पाई। तो हर चीज़ फॉलो हो रही है, ये भी एरोमेटिक है, सेम चीज़ इसमें भी होगी, सेम चीज़ उसमें भी होगी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ से ना राइट साइड मिटाऊंगी ताकि मैं इसमें डिलोकलाइजेशन आपको समझा सकूँ। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ज़रा, इस कंपाउंड में ना मैंने पर्सनली फील किया है ऑफलाइन क्लासेस में, बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो मैं ये मान के चल रही हूँ भाई अगर किसी को डाउट हो तो फिर वो डाउट ना रहे, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ आपको ना मैं इसको स्केलेटन में समझाऊँ, स्केलेटन में क्या है पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाती है, ठीक है। चलो ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है और एक एच लगा दीजिए, और इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, और इधर डबल बॉन्ड है, और इधर आप लगा दीजिए एच, नहीं डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है, सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ लगा दीजिए एच, यहाँ लगा दीजिए एच, इधर और इधर। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक ही स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी। ये पिक्चर है, ये है, और हमने इसका स्केलेटन बनाया। अब देखिए, अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दूँ, ध्यान से देखना, मैंने इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4, तो क्या यहाँ पर प्लस साइन रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, तो यहाँ से प्लस साइन हट जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन पे क्या आ गया है, इस कार्बन पे प्लस आ गया है। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ भेज दूँ, ठीक है, यहाँ भेज दिया, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, बिल्कुल हो गए, तो प्लस साइन यहाँ से हट जाएगा, पर इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3, तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। फिर इस बॉन्ड को अगर मैं यहाँ भेज दूँ, ठीक, यहाँ से हट गया, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4, तो प्लस यहाँ से हट गया, और ये कहाँ आ गया, इधर आ गया। फिर इसको यहाँ भेज दो, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि भैया ये घूमता रहेगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं होती, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, उसे ही तो डीलोकलाइजेशन कहते हैं। डीलोकलाइजेशन का तो मतलब यही है कि जिसकी पोजीशन फिक्स ना हो, जो घूमता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें रेजोनेंस होता है। बहुत बच्चों को समझ नहीं आता कि प्लस चार्ज एक्चुअल में कैसे आ रहा है, तो मैं वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लस चार्ज कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देती हूँ कि नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये बॉन्ड आ गया इधर, ठीक, ये इधर ही है और ये इधर ही है, प्लस चार्ज कहाँ आ गया, इधर। अब क्या होगा, ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस चार्ज आ जाएगा इधर, ठीक है। अब इसे हम कहाँ बना देंगे, यहाँ, इसे यहाँ, इसे यहाँ, और इधर प्लस साइन इधर आ गया, क्लियर है। फिर ये बॉन्ड आ जाएगा इधर, प्लस साइन आ जाएगा इधर, फिर ये यहाँ चला जाएगा, प्लस साइन आएगा इधर। तो इस तरीके से इसमें रेजोनेंस जो है बारी बारी से होता रहेगा। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।